वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। मेहनत करो कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। साईं एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 60,244 जो पद हैं इतने कम समय में आप किस तरह से तैयारी करें कि आपका हर हालत में सिलेक्शन हो जाए। अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कि आप वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, यानी वक्त से आपको लड़ना पड़ेगा। आज तक बिना लड़े कभी किसी का नसीब नहीं बदला है। जो लोग कर्मों से ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते हैं वो भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं और अंत में उनको कुछ हासिल नहीं होता है। और इंसान वही, आप सब इंसान है ना, कि अपनी तकदीर बदल दे। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो बेटा कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, यानी चिंतन कीजिए चिंता मत कीजिए और क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कम समय में कैसे करें उत्तर प्रदेश पुलिस की संपूर्ण तैयारी। आप देख रहे हैं कि यदि बेटा 11 फरवरी को एग्जाम होता है तो आपके पास बहुत कम समय बाकी है, यानी कि कम समय की यदि हम बात करें तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि आज 24 दिसंबर है, अर्थात 7 दिन केवल दिसंबर में शेष हैं। इसके बाद यदि जनवरी की बात करें तो 31 दिन जनवरी में शेष हैं और यदि फरवरी की बात करें तो फरवरी में 10 दिन शेष हैं। तो ये आप देखेंगे कि 31 और 7 38 और 10 48 दिन आपके पास शेष हैं। इन 48 दिन में आप किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि बहुत पढ़ने वाले सफल नहीं होते हैं, केवल वही सफल होते हैं जो स्टाइलिस्ट पढ़ते हैं। अर्थात आपको कम समय में कैसे पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में इन सब की जानकारी हम देने वाले हैं। इस 48 दिन की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 48 दिन में कैसे तैयारी करनी चाहिए कि आप आखिरकार अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। ये 48 दिन शेष है और यही बहुत विशेष है, जिसने इस 48 दिन में मेहनत कर ली समझ लो वो सफल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे तैयारी ये हम आपको बताएंगे। देखो बेटा, ये कम समय है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट का बेसिक ही क्लियर नहीं है तो 48 दिन तो बेसिक ही क्लियर में होने में लग जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये भर्ती उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। और ये बात हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि आपको तैयारी पहले से करनी चाहिए, लेकिन जिनका बेसिक क्लियर है या नहीं भी है उनको भी ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, मेहनत तो उन्हें भी करनी चाहिए। किस तरह से करेंगे वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो रणनीति क्या होनी चाहिए कि किस रणनीति से हम अपनी तैयारी करें। दूसरी बात है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब तो नहीं पढ़ सकते ना, तो क्या पढ़ना चाहिए इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, क्या हमको पढ़ना चाहिए। तीसरी बात रहेगी कि हमको जो समय बचा है उस समय में कैसे पढ़ना चाहिए, ये हमको देखना है। तो हम अपनी रणनीति क्या बनाएंगे, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो रणनीति जो आपको बनानी है वो अपने समय के अनुसार बनानी है। आपको समय और अपने सिलेबस, इन दो के अनुसार आपको अपनी रणनीति बनानी है। बेटा कि सिलेबस क्या है और समय कितना है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी रणनीति बनानी है। समय आपको बता दिया 48 दिन है और सिलेबस विशाल है, कोई कम सिलेबस नहीं है। अब इस सिलेबस में से क्या हम सभी पढ़ लें, नहीं, हमको क्या पढ़ना चाहिए ये हम बताएंगे अभी आपको। तो रणनीति आपको अपने समय को ध्यान में रखकर के और सिलेबस को ध्यान में रखकर के बनानी होगी, क्योंकि चार विषय हैं तो चारों विषय को ही पढ़ना होगा। अब चारों विषयों में से आप देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि हिंदी वो विषय है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, अर्थात 37 क्वेश्चन आएंगे और आप 37 के 37 सही कर सकते हैं। दूसरा विषय है रीजनिंग। रीजनिंग पर यदि आपने अच्छी मेहनत कर ली तो रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आएंगे और डेफिनेट है कि आप 37 के 37 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अच्छा, अब आती है मैथ। मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो 38 क्वेश्चन आएंगे। इस 38 क्वेश्चन में से आपने अगर
अच्छे से मेहनत कर ली तो जान लीजिए कि 38 में से आप 34-35 क्वेश्चन सही कर देंगे, क्योंकि इन 38 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन प्योर मैथ के होंगे और 19 क्वेश्चन रीजनिंग बेस होंगे। अच्छा, अब आते हैं जनरल स्टडी पर। तो जनरल स्टडी में बेटा जो 38 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आप कितनी भी अच्छी मेहनत करेंगे तो 30 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ये हम अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। और अगर हमने यहाँ पर 37 और 37 आप पे 74 और 30 104 और 34 138 क्वेश्चन, और अगर आप इन 150 क्वेश्चन समय से डेफिनेट 130 क्वेश्चन प्लस कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पर हालत में सफल हो जाएंगे। तो 130 प्लस क्वेश्चन हमारी रणनीति होनी चाहिए, कि ये रणनीति हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं क्या पढ़ना चाहिए। तो अब सब तो नहीं पढ़ सकते इतने कम समय में, रिवीजन करना है या पढ़ना है या नया पढ़ना है, इस पर चर्चा करते हैं। तो क्या पढ़ना चाहिए ये बताते हैं। देखो बेटा, ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। इस सामान्य ज्ञान के सिलेबस में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। इतने टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हैं। सामान्य ज्ञान में आपको 38 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 2 नंबर का होगा, और इस तरह से टोटल आपके जो नंबर होंगे इसके वो 76 मार्क्स इस सेक्शन के होंगे। अब इस 76 मार्क्स में से कैसे आपको अच्छे नंबर लाने हैं, क्या आपको हर हालत में पढ़ना है, उसको बता दिया जाए। देखो बेटा, सामान्य विज्ञान के आपको हर हालत में 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना ही होगा। भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ तो पूरा इतिहास दे दिया, तो क्या पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए, नहीं। अब आपको हम बता देते हैं, मैंने बता रहा हूँ कि दूसरे बिंदु पर चल रहा हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए। तो भारत का इतिहास पूरा मत पढ़ने बैठ जाना। तो भारत के इतिहास में आप क्या पढ़ना, कि एक तो यहाँ पर पढ़ना बेटा सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके बाद पढ़ना आप केवल वैदिक सभ्यता, और इसके बाद पढ़ना सीधे सीधे आ जाना आधुनिक युग पर। आधुनिक युग में आप भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी युग, गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी सत्याग्रह हैं, वो सब जरूर पढ़ लेना। भारतीय संविधान में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का ये जरूर पढ़ लेना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके अलावा संविधान संशोधन और भारत की राजव्यवस्था में संसद, विधानमंडल और ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, इतने टॉपिक पढ़ लेना। नीति निषेध तत्व सहित जो बोल रहा हूँ सुन लेना बार बार। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में योजनाएं पढ़ना है, जो मोदी युग में, योगी युग में जितनी भी योजनाएं संचालित हुई हैं, इन सभी योजनाओं की तिथि और इन योजनाओं को किस उद्देश्य से लागू किया गया है, वो सब आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में आपको विभिन्न जो योजनाओं के अलावा परियोजनाएं, और आपका जैसे कृषि में हरित क्रांति कब शुरू हुई, किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ, तो कौन सी योजना किससे संबंधित है, ये आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में आपको नृत्य पढ़ने हैं, अर्थात कौन सा नृत्य किस प्रदेश का है, ये जरूर पढ़ना बेटा। भारतीय कृषि में आपको रबी की खरीद की फसलें और सिंचाई व्यवस्था, और इसके अलावा आपको पढ़ना है भारतीय कृषि की नस्लें। ठीक, वाणिज्य एवं व्यापार में आपको वर्तमान में देश में कौन सा किसके साथ समझौता और व्यापारिक समझौता हुआ है, कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है बिजनेस कंपनी का, और कौन किसका सीईओ है, ये पढ़ लेना। जनसंख्या चूंकि आना प्रश्न कम ही है, क्योंकि 2021 की जनगणना हुई नहीं है, 2011 से सर्वाधिक साक्षरता, लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व, जिसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण एवं नगरीकरण में आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसके अलावा आपका एसिड रेन, और पर्यावरण में वन्य जीव अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यान संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत का भूगोल इसे पढ़ना है, विश्व के भूगोल में केवल छोटा बड़ा, नदियां पढ़ लेना, ज्वालामुखी और झीले, प्राकृतिक संसाधनों में उत्पादन पढ़ लेना, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश को ठीक से पढ़ना,
उत्तर प्रदेश से 8 से 9 क्वेश्चन आने की संभावना है, इस बार ध्यान रखना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर्स में अभी से आप जो भी एक बहुत सी ब्रांड है, या नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जो आपका अर्धवार्षिकी है अथवा वार्षिकांक आते हैं उनको आप खरीद लीजिए और वार्षिकांक अथवा अर्धवार्षिकांक को पूरा पढ़ लीजिए। तो सामान्य ज्ञान में केवल आपको इतना देना है। पुरस्कार में आपको नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, खेल संबंधी पुरस्कार और पद्म विभूषण पढ़ लीजिए। इसके अलावा सम्मान हो गए देश, राजधानी, मुद्राएं, ये ध्यान रखना है। देश याद रखने हैं, देशों की राजधानियां, प्रदेश, प्रदेशों की राजधानियां और देशों की मुद्राएं। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस में जैसे पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस, संरक्षण दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ये सब याद रखने हैं। अनुसंधान एवं खोज में एक क्वेश्चन जैसे विज्ञान संबंधी आ जाएगा कि किसकी किसने खोज की, पेनिसिलिन की खोज किसने की, या फिर आपका जो है MRI CT स्कैन की खोज किसने की, या इसका आविष्कार किसने किया। इसके बाद पुस्तक और लेखक में से करंट अफेयर्स से संबंधित जो इस समय वर्तमान में जितने भी हाईलाइट लेखक हैं जो किसी न किसी प्रकार से विवादास्पद रहे हैं, अथवा बेटा जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है किसी भी, चाहे बुकर चाहे मान बुकर, वो पढ़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये केवल सेलेक्टेड पढ़ना है, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको तरीके से पढ़ना हो। फिर भी कहीं समस्या आए तो आप हमको व्यक्तिगत तौर पर हमारे नंबर पर 9758771971 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब अगली बात बताते हैं। जैसे ये तो था सामान्य ज्ञान की बात, और सामान्य ज्ञान के बाद आती है सामान्य हिंदी। हमने आपसे कहा कि सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे और आप 37 में से 37 सही कर देंगे। सामान्य हिंदी में केवल 6 ही तो बातें हैं। पहला हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यहाँ पर हिंदी की भाषाएं, हिंदी की भाषाओं में उपभाषा, राजभाषा और हिंदी की जो बोलियां हैं वो याद रखनी है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान इसमें याद रखना है। हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान में यहाँ पर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कर्ता, क्रिया, कारक, लंग, लिंग, वचन, अव्यय, निपात, ये पढ़ने हैं। बस हिंदी वर्णमाला पढ़नी है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पढ़ने हैं, तत्सम तद्भव पढ़ने हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना यानी वाक्य शुद्धिकरण, लिंग, वचन, कारण जो आ जाएंगे आपके वो इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा आपका ये पार्ट हो गया किसका, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान हो गया। उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ना, संधि समास सामान्य हिंदी का टर्म है, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि पढ़ने हैं। अपठित बोध पढ़ना है। अपठित बोध का मतलब है कि यहाँ पर एक गद्यांश आएगा, उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध कवि पढ़ने हैं, उनकी लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार। हिंदी भाषा में पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसे साहित्य पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, तानसेन सम्मान आदि सम्मान, वाल्मीकि सम्मान आदि सम्मान आपसे पूछे जाते हैं, और विविध आदि में कुछ भी हो सकता है। तो ये केवल सामान्य हिंदी का सिलेबस है। सिलेबस इतना बहुत नहीं है कि 48 दिन में आप इसको कवर ना कर सकें, 100% आप कवर कर लेंगे। फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो हम मिशन हिंदी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ऑनलाइन आपको मिलेगा। उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर फोन करें अथवा व्हाट्सएप करें। हम आपकी हिंदी इन 48 दिन को छोड़िएगा, हम केवल 35 दिन में आपको 37 में से 37 क्वेश्चन सही कराने की हिम्मत रखते हैं। बस आपको हमसे संपर्क करना होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की, जिसको हम कहते हैं बेटा मैथमेटिक्स। इसमें दो पार्ट होंगे। इसके जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो 38 क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक संख्यात्मक योग्यता का पार्ट होगा का, और खा मानसिक योग्यता का पार्ट होगा। संख्यात्मक योग्यता में 19 क्वेश्चन होंगे जिसमें सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास पर आधारित, दशमलव, भिन्न, संख्या पद्धति, इसके बाद आपका लघुतम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, अनुपात और समानुपात, इसके बाद प्रतिशतता, लाभ और हानि, डिस्काउंट, छूट, सिंपल, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप यानी भागीदारी, औसत, समय और कार्य, और इसके अलावा समय दूरी, सारणी और ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ना जरूर, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस। तो ये आपके 19 क्वेश्चन संख्यात्मक योग्यता के होंगे। इसके बाद मानसिक योग्यता में आपके रहेंगे तार्किक आरेख रहेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, संकेत संबंध विश्लेषण, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला,
का व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण और आपकी इसमें दिशा ज्ञान परीक्षण, आंशिक समरूपता, तार्किक विश्लेषण, ये क्वेश्चन आपके 38 क्वेश्चन होंगे। तो जो 38 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के पार्ट में, इसमें जो 19 क्वेश्चन है वो प्योर मैथमेटिक्स के होंगे और शेष जो 19 क्वेश्चन होंगे बेटा वो 19 क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड होंगे। अर्थात समझ लीजिए कि रीजनिंग का आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पूरी रीजनिंग इस 48 दिन में कंप्लीट कैसे करेंगे, इसके लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 97 58 77 1971 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दावा है कि इसी 48 दिन में आपकी रीजनिंग हम पूरी करा देंगे। रीजनिंग का बेस जो रहेगा वो 38 और 19 क्वेश्चन आपके आए, 37 और 19 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात 56 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। और चौथा पार्ट जो होगा बेटा वो आपके मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि टारगेट क्षमता का होगा, जिसमें टोटल आपका मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन होंगे। इस मानसिक अभिरुचि को पुलिस एप्टीट्यूड कहते हैं, जिसमें जनहित, सांप्रदायिक सद्भाव, पुलिस के प्रति दृष्टिकोण, कानून शांति व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, व्यवसाय की प्रतिरुचि, ये जो टोटल टॉपिक होंगे, ये लैंगिक संवेदनशीलता, इसके लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे, इसमें टोटल आपके 37 क्वेश्चन होंगे और 37 के 37 आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। यदि किसी को कोई डाउट हो, समझ में ना आए कि 37 कैसे सही करें, तो आप हमारे इस नंबर पर 97 58 77 1971 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके ये टोटल 48 दिन में ही ये टोटल प्रश्न सही कराने की हिम्मत रखते हैं, आपको व्यवस्था उसी हिसाब से करनी होगी। तो बेटा जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप कैसे इसकी संपूर्ण तैयारी करें, तो एक कम समय में कैसे करें उत्तर प्रदेश पुलिस की संपूर्ण तैयारी, ये आज का वीडियो था। रणनीति और क्या पढ़ना चाहिए ये हमने बता दिया। अब हम तीसरे बिंदु पर पहुंचते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो, बहुत पढ़ने वाले सफल नहीं होते, स्टाइलिस्ट पढ़ने वाले सफल होते हैं। कैसे पढ़ना चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं। पढ़ने के लिए आप बहुत किताबें ना खरीदिए। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, उनके पास बहुत किताबें हैं, बहुत पीडीएफ है, बहुत नोट्स हैं, लेकिन उनके दिमाग में कितना याद है, इंपोर्टेंट ये है। आपने कितना पढ़ा ये इंपोर्टेंट नहीं है, आपको कितना याद है और कितना आपको याद रह गया ये इंपोर्टेंट है। तो याद कैसे करें और याद कैसे रखें, तो इसके लिए क्या करना है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए आप क्या करें कि आपके पास है तो सबके पास 24 घंटे ही, जो टॉप करेंगे वो उनके पास भी 24 घंटे ही हैं, जो फेल हो जाएंगे उनके पास भी 24 घंटे ही हैं और उनको भी इतना ही समय मिलेगा 48 दिन, क्योंकि पेपर एक ही पारी में कराने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही पारी में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर भी समाप्त हो जाता है, पेपर कठिन सरल का भी बात समाप्त हो जाता है, सबको एक जैसा पेपर आएगा, केवल उनका जो सीरीज है वो सब अलग होगा, पेपर एक जैसा ही होगा। तो अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या करना होगा, रणनीति बनानी होगी। रणनीति तो बन गई, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए इसकी भी तो रणनीति होनी चाहिए। तो कैसे पढ़ना चाहिए ये अब मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से गौर से सुनिए बेटा। कैसे का मतलब होता है कि कौन कौन सी किताबें कितने समय में पढ़नी चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो आप देखिए। दिन के पूर्वान्ह यानी कि दिन के प्रारंभ के समय आपको सदैव वह चीज पढ़नी चाहिए जो याद रखनी है, अर्थात जनरल स्टडी आपको उठने के तुरंत बाद पढ़नी चाहिए। इसके बाद आपको रीजनिंग पढ़नी चाहिए और रीजनिंग के बाद मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए और मैथमेटिक्स के बाद हिंदी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमें याद करना होता है वो तभी याद होता है जब दिमाग शांत होता है, और ये तभी शांत होता है जब हम उठने के बाद उठते हैं। सोकर जब उठेंगे तब उसके बाद जो दिमाग फ्रेश होता है वो पूरे दिन तरोताजा उतना फ्रेश कभी नहीं रहता है। आपको जब भी पढ़ना है तो सर्वप्रथम आपका जो वातावरण है वो एक सही ऐसा होना चाहिए जहां शोरगुल नहीं हो। अपने घर में या कहीं भी एक ऐसा स्थान तलाशिए जहां कोई भी आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे। आप देखते हो, एक बात बताओ, आप अपने घर में पेंट कराते हो, तो पेंट कराते हो तो एक बार जब कोड होता है तो क्या एक बार के कोड में क्या पूरी चमक आ जाती है दीवारों पर? नहीं आती है ना। तो क्या करते हैं, हम 2 या 3 कोट चढ़ाते हैं। इसी तरह से आप अगर इस गलतफहमी में हो कि किसी चीज़ को एक बार पढ़ने से वो आपको याद हो जाएगी, नहीं होगी, उसको कम से कम आपको 3 बार 2 बार पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें आप कैसे तैयारी करें तो वो हम आपको बताएं। सबसे पहले जो सरल विषय हिंदी, उस हिंदी को उठाइए और 48 दिनों में से
केवल 6 दिन हिंदी को दीजिए, और 6 दिन हिंदी को दीजिए यानी कि अगर आज 25 तारीख है कल, तो 25 तारीख से 31 तारीख तक दिसंबर में 6 दिन में हिंदी पूरी कर दीजिए और मिशन हिंदी चला दीजिए कि हिंदी कंप्लीट। फिर इसके बाद हिंदी के पश्चात दीजिए रीजनिंग को टाइम, और रीजनिंग के बाद फिर मैथ और फिर जीएस। तो इनमें जो जो आपको याद है पहले उन्हें दोहरा लीजिए, और जो कठिन लग रहे हैं उनको एक तरफ रखते जाइए, और फिर उसके बाद जो भी आपके टीचर है या मित्र हैं उनसे फिर आप सप्ताह में एक दिन उन कठिन बिंदुओं पर डिस्कस कीजिए। रोज डिस्कस करोगे तो याद नहीं होगा, टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। तो ऐसे मिशन चलाइए, सबसे पहले मिशन हिंदी स्टार्ट कीजिए, 6 दिन में हिंदी समाप्त कर दीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए मिशन रीजनिंग, 12 दिन में रीजनिंग समाप्त कर दीजिए, 12 और 6 18 दिन हो जाते हैं, अब आपके पास 48 दिन है, दिन बचते हैं 30, 30 दिन को 2 भागों में बांट लीजिए, पहले 12 दिन, और 12 दिन में आपकी मैथ कंप्लीट कर लीजिए, और अगले 12 दिन में फिर अपनी जीएस और उसके बाद रिवीजन। इस तरह से आप इसको एक एक करके कीजिए, और हाँ ये तो करेंगे लेकिन एक प्रैक्टिस सेट रोजाना हल कीजिए, और एक प्रैक्टिस सेट चाहे वो ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें। जिनको प्रैक्टिस सेट में दिक्कत है वो हमसे प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी हमारे पास उपलब्ध है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी हमारे पास उपलब्ध है, हमारा ऑनलाइन एक्सीलेंट ऑनलाइन एग्जाम नाम से आपका मोबाइल ऐप पर प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप है, वहां से आप उन टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, और एक प्रैक्टिस सेट रोज हल कीजिए। मान लीजिए अभी आपके 48 दिन है, आपने पहले दिन में एक प्रैक्टिस सेट हल किया और उसमें केवल आपके 10 प्रश्न सही हुए और 140 गलत हो गए, 140 को पढ़िए समझिए उनको। अगला प्रैक्टिस सेट जब दूसरे दिन आपने हल किया तो उसमें आपके 20 क्वेश्चन सही हुए, 130 गलत हो गए। तीसरे दिन तीसरा प्रैक्टिस सेट हल किया, उसमें 10 बढ़ गए 30 हो गए, अब 120 गलत हो गए। चौथे दिन प्रैक्टिस सेट हल किया, उसमें 5 बढ़े, अब आपके जो है वो 35 क्वेश्चन सही हो गए और 115 क्वेश्चन गलत हो गए। यदि हर प्रैक्टिस सेट में आपने 5-5 प्रश्न, 2-2 प्रश्न भी इनक्रीज किए, तो आप समझ लीजिए कि आपको 40 प्रैक्टिस सेट करने का अवसर है, और 40 प्रैक्टिस सेट में आप 100% 130 प्लस पहुंच जाएंगे। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, आपको जहां जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, आप तुरंत क्या कीजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर की मदद लीजिए। ये आपके लिए ही हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ताकि आप अपनी समस्या का समाधान कर सके और हम आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो सके। इसी के लिए हमने आज ये वीडियो संक्षिप्त वीडियो आपको दिया। फिर भी कोई समस्या है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।